पार्ट नंबर डी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.7। पार्ट नंबर सी में आपके पास वही है कि जो डेसिमल डी में उसके क्यूब्स निकालने हैं, तो उसको छोड़ दें पहले, हमने क्योंकि शुरू के दो पार्ट्स कर चुके थे। पार्ट नंबर डी में आपने ये बताना है कि ये जो नंबर दिया हुआ है ये किसी का क्यूब है या नहीं है, सही है? कि अगर होगा तो लिख देंगे जिस नंबर का क्यूब होगा, नहीं होगा तो लिख देंगे इट्स नॉट अ परफेक्ट क्यूब, सही है? अच्छा, तरीका क्या है बेटा इसके फैक्टर्स चेक कीजिए, टू से डिवाइड करते जाएं। ठीक है, टू से सबको डिवाइड, कितने टू आ गए मेरे पास बताइए, कितने? नाइन, नाइन है, नौ टू हैं, सही है? तीन तीन का पेयर बनाइए, टू, क्योंकि क्यूब का मतलब होता है बेटा थ्री पावर, तो स्क्वायर में हम दो का पेयर बनाते थे, क्यूब में तीन का पेयर बनाते हैं। ये देखिए टू, तीनों पेयर बन रहे हैं ना, कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा है, तो इसका मतलब है क्यूब रूट है, परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो ये बताना है आपने, देखें टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, किसका क्यूब है? एट को मतलब तीन मरतबा मल्टीप्लाई कीजिए जलाल आप, तो क्या आएगा आंसर? 512। ठीक है, एट एट ज़ा 64, 64 एट ज़ा 512, 64 का टेबल याद है? नहीं, इससे नहीं, खुद से। अगला जल्दी जल्दी, तो जाहिर है लिखा नहीं है 729, ये भी होता है वैसे, पता है मुझे 729। ये सब हरकतें करनी है आपने इस सवाल में, बी क्विक, हरी अप। 729 बेटा, इसको पूरे स्टेप शो करने हैं इस तरह से बेटा। अच्छा, अब इन केस अगर तीन का पेयर नहीं बनता है, अगर तीन का पेयर नहीं बनता है तो इसका मतलब वो क्यूब रूट नहीं है, उसको वहीं रोक देना, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ इसमें बताना है कि है या नहीं है बस, क्योंकि अगर पेयर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब वो परफेक्ट क्यूब है ही नहीं। ठीक है, 729 को सॉल्व करेंगे बेटा, जाहिर है टू के टेबल से तो नहीं होगा ये, है ना, बिकॉज इट्स ऑड नंबर, थ्री से कीजिए, 243, सही है? दोबारा थ्री से कीजिए 81, दोबारा थ्री से कीजिए 27, दोबारा थ्री से कीजिए 9, हाँ एट आंसर है, इट्स अ परफेक्ट क्यूब, ये भी लिख दीजिएगा, एक लाइन लिख लीजिएगा ये, और ये दोबारा थ्री से कीजिएगा, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री वन जा कितने, थ्री आ गए, सिक्स, एक एक किसका है? नाइन, नाइन नाइन जा 81, 81 नाइन जा 729, 81 के टेबल याद है, है ना? चले नेक्स्ट, 3375, 75, पार्ट ड्रा टिक कर लीजिए बेटा,
थ्री, वन टू थ्री फाइव सेवन टेन और ट्वेल्थ चलें, सही है। बस ये छः पार्ट हमने करने हैं, छः नहीं है ये, मेरा ख्याल है सात पार्ट हो गए, सही है। क्या कह रही है ये, कब से? अच्छा चलो, पार्ट नंबर थ्री। पार्ट नंबर थ्री में कह रहा है कि बताइए 3375 ये किसी का क्यूब रूट है या नहीं है। देखिए चेक कर लेते हैं, चलें 33 कौन से टेबल से करूं, 5 6 30 और ये हो जाएगा बेटा, तीन कैरी दिया मैंने 37, फिर 2 कैरी 675, सही है। 5 दोबारा, 5 1 5 5 3 15 और 5 5 25, सही है। फिर दोबारा 5 से कीजिए, 5 2 10 5 7 हो जाएगा। पेयर तो बना रहे, 3 5 हैं और 3 3 हैं, एक एक निकल आएगा, किसका क्यूब रूट हुआ, 5 3 15 और 15 था फिर, ठीक है। मतलब ये देखिए मैं लिख रहा हूँ, आंसर आया 15 और जो परफेक्ट क्यूब होंगे उसके आगे आप लोगों ने ये लाइन लिखनी है, इट्स अ परफेक्ट क्यूब, सही है। तीनों ही है अभी तक तो, बिठा दूं ये 27 अपॉन कौन सा पार्ट नंबर है, 5, ठीक है। पार्ट नंबर 5 देखिए, 27 अपॉन 64 अपॉन में आ गया बेटा ये, अलग अलग करना है, अलग अलग सॉल्व होगा, सही है। 27 के फैक्टर्स क्या होते हैं पता है सबको, और 64 के क्या होते हैं, क्या आ गया आंसर, 5, सही है। बस इट्स अ, एक मिनट, परफेक्ट ये भी परफेक्ट क्यूब है, नंबर 7
पार्ट नंबर सेवन है 4096। चलें ये देखिएगा, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। टू से टू जीरो सही है, अब टू से दोबारा टू से कितने टू आए, 12, 12 टू आ गए, कितने पेयर निकलेंगे, 4। यहां लिख रहा हूं देखिएगा, चलिए 12 टू लिखिए, 5। नहीं बेटा वो ऐसे ही है, ठीक है बस जो करवा रहा हूँ वो कर लीजिए, मसला नहीं है। तीन तीन के कितने पेयर निकल आए, 1 2 3 4। यस इट्स अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 16 16 या 256 मल्टीप्लाई बाय 16 4096। ठीक है सारे ही अभी तक हमारे पास परफेक्ट क्यूब ही बन रहे हैं, इससे ये होगा कि 2.8 आप लोग आराम से कर लेंगे, मसला ही नहीं है कोई, 2.8 में यही है पूरा। अभी हमने कौन सा किया है, 7 10 एंड 12, 10 और 12। क्वेश्चन नंबर 10 है 27,000 और क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 बताइए, 12 पार्ट क्या है, 39304। ये दो हैं जो आप लोगों के रह गए हैं, इसको जरा घर से करके मुझे कंप्लीट करके कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 2.8 है।